हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब तो रीज़न भी मिल गया है पढ़ाई स्टार्ट करने का। जिसने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की हो तो अब कर लीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो 2022 की वैकेंसीज़ हैं वो आउट हो चुकी हैं और उनके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 3 जुलाई आई थिंक लास्ट डेट है उनको फिल करने की, बट स्टडी करने की कोई फर्स्ट या लास्ट डेट नहीं होती, इसलिए हमें अभी से स्टार्ट कर देना है ताकि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी के बारे में। मैं पहले भी अपनी कई सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के बारे में रहती हैं, और मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो लगभग सेम रहती है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, नेट हो या फिर यूपी टेट या सुपर टेट हो। चेंज क्या रहता है? चेंज ये रहता है बस कि सिलेबस चेंज हो जाता है और प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और पहले किसे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रेटेजी के बारे में अगर बात करें तो मेरी स्ट्रेटेजी का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सिलेबस, कि मैं सबसे पहले जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसका सिलेबस नोट करके रख लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है बुक्स, कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी है, कौन सी बुक्स उसके लिए बेस्ट हैं, मैं बुक्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। और क्योंकि बुक्स मेरे पास पहले से ही हैं, क्योंकि मैं पहले से ही तैयारी करती हुई आ रही हूँ और फेलियर्स के कुछ रीज़न्स थे जो मैंने फाइंड आउट किए हैं और इस बार मैं उनको कवर करूँगी, तो बुक्स मैंने सेलेक्ट कर ली है। सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है कि हमें कितना समय किसको देना है, मीन्स टाइम टेबल बनाने की जो बात है। तो मैं पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि 6 आवर्स का जो टाइम है वो हम निकाल सकते हैं इजीली। कोई भी हाउसवाइफ 6 आवर्स का टाइम आराम से निकाल सकती है, और अगर आप चाहें तो उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था 2 आवर्स इन मॉर्निंग, 2 आवर्स इन आफ्टरनून एंड 2 आवर्स इन नाइट। आप इसको अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे आपको मॉर्निंग में टाइम ना मिले तो आप आफ्टरनून में कर लीजिए, आफ्टरनून में ना मिले तो इवनिंग में कर लीजिए, इवनिंग में ना मिले तो नाइट में कर लीजिए। ओवरऑल आपको 6 आवर्स देने हैं अभी से। आज 14th June है, मीन्स अगर आप कल से भी 15th June से भी ये टाइम टेबल आप बना रहे हैं तो 2 से 3 महीने अगर 6 घंटे डेली पढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम यकीन मानिए क्लियर कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर हम कंसिस्टेंट रहें, अगर हम लगातार पढ़ें। तो टाइम टेबल मेरा यही रहेगा, 6 घंटे मिनिमम मुझे निकालने ही निकालने हैं, और मैक्सिमम अगर और ज़्यादा हो सकता है तो मैं निकालने की कोशिश करूँगी, और आपको भी अगर ज़्यादा समय मिले तो आप निकाल सकते हैं, बट मिनिमम 6 आवर्स का टारगेट हम लोगों को लेकर चलना है। और यही मेरी स्ट्रेटेजी है कि अभी मैं पहले अपना सिलेबस फिर से एक बार कंप्लीट करूँगी, उसके बाद उसको एक रिविज़न दूँगी, और रिविज़न के बाद सबसे लास्ट में जब एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो जाएंगी और मेरा सिलेबस लगभग 2 बार कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं प्रैक्टिस सेट्स लगाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरा यही तरीका है, यही स्ट्रेटेजी है, और बाकी हमको इस बार केवल बुक से पढ़ना है। एक बुक को हम अगर ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो इजीली समझ आती है, बहुत सारी बुक्स हमें कलेक्ट करके नहीं रखनी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हमें नहीं देखने हैं, क्योंकि इन सब से हमें कंफ्यूजन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, यही मेरी स्ट्रेटेजी है, यही मेरा टाइम टेबल है। कल से मीन्स 15th June से 6 आवर्स हमें डेली देने हैं, तो 6 आवर्स डेली का जो चैलेंज है उसके लिए या तो कोई वीडियो पोस्ट करें या फिर कमेंट्स में बताएं कौन कौन ले रहा है। थैंक यू सो